मुझे भी तो वो देखना पड़ता है भाई चलिए गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आई जस्ट होप आप सब अच्छे होंगे अब ये तो पूछा नहीं जा सकता कोविड में कोविड तो नहीं है लेकिन एग्जाम कोविड से भी बड़ी टेंशन चल रही है भी तुम्हारे लिए क्या चल रहे हैं तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं टेंथ बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं अब तक आप लोगों के कितने फोर पेपर्स हो गए फाइव हो गए कम्प्लीट थ्री पेपर्स आपके कम्प्लीट हो गए फोर्थ पेपर जो है वो आपका सोशल स्टडीज का है मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं है जो तुम करके आ सकते थे कराए कि तीनों पेपर्स आपके अच्छे हुए होंगे और उनमें आप 90 परसेंट प्लस स्कोर करेंगे क्या कह रहे हो मजाक कर रहे हो सर है अच्छा उसके अलावा सब में 90 परसेंट आ जाएंगे चलो कोई बात नहीं बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है ऋषि पढ़ता है इंटेलिजेंट बच्चा है तुम्हारी तरह थोड़ी ना बैठा ही रहता है केवल चलिए अब नेक्स्ट पेपर है सोशल स्टडीज का अब सोशल स्टडीज के साथ क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है दिक्कत क्या है कि एक तो ये सब्जेक्ट हमें प्रिय नहीं है कोई सब्जेक्ट हो तो जो हमें प्रिय लगती हो तो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छे सब्जेक्ट लगती है प्यारी सब्जेक्ट लगती है फिर तो हम क्या है कि उस पर बहुत अच्छा ठीक है हम देख लेते हैं यहां यार आता अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पूरी साल हम ध्यान नहीं देते हैं और लेंदी सब्जेक्ट पूरा रटने वाला सब्जेक्ट लेकिन फिर भी हमने आपके जो पूरे साल क्लासेस चलाई हैं उसमें कोशिश की है कि आपको चीजें रटनी ना पड़े आपको एक एक बहुत क्लियरली समझाया था अभी हमारे पास चार दिन है और हिस्ट्री के चार सॉरी सोशल स्टडीज के हमारे पास चार पोर्शन है हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जोग्राफी और पॉलिटिक्स या सिविक्स जिसको हम कहते हैं इन चारों पोर्शंस के लिए हम क्या करेंगे आपके लिए चार दिन में चार क्लास चलाएंगे डायरेक्ट तीन तीन घंटे का हम सेशन रखेंगे और उन सारे सेशन में करेंगे कि हम कोशिश करें चीजें भी कवर अब टॉपिक जो, जो कर सकते हो वो कर लो इसके अंदर जैसे भी तुम्हारा काम चलता हो समझ के काम चलता हो समझ लो रट के काम चलता हो रट लो जैसे भी काम चलता हो लेकिन काम चला लो हमने हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं एमसीक्यूज ऑलमोस्ट में सारे आपको पहले भेज चुका हूँ अगर फिर भी आप कहोगे कि नहीं सर एमसीक्यूज का भी एक बार वापस से हमको क्योंकि एमसीक्यूज में क्या है जो आपको पहले दिए हुए हैं उनके आंसर्स आपके पास है प्रिंट आउट सबके पास है जिसके पास नहीं हो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दें नंबर आप सबके पास मेरे नहीं है तो स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे हैं है ना यहाँ पर नंबर चल रहे हैं ना बड़े स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर चल रहे हैं आप वहाँ से नंबर लेके मुझे पर्सनली मैसेज कर दें आपको पीडीएफ सारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी उन पीडीएफ से आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम स्टार्ट करें क्लास हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू आ गया है कि? चलिए कोई बात नहीं हम चैप्टर नंबर टू से स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर टू हिस्ट्री का क्या है नेशनलिज्म इन इंडिया पता है सबको नेशनलिज्म इन इंडिया अब इस चैप्टर का जो नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया इसी से पहला क्वेश्चन बना लो व्हाट इज नेशनलिज्म क्वेश्चन आता है अगर आपके पास व्हाट इज नेशनलिज्म तो ये चैप्टर नंबर से भी रिलेट है जाता है क्योंकि चैप्टर नंबर वन भी क्या है नेशनलिज्म इन इंडिया पहले वर्ल्ड में आया उसके बाद इंडिया में आया नेशनलिज्म होता क्या है पहले वो समझे अपन एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे हम कि नेशनलिज्म होता क्या है आप सबको पता है कि अगर हम वर्ल्ड मैप या हिस्ट्री मतलब आज का मैप मैप नहीं पुराने की बात करें तो आज पूरे वर्ल्ड जिस तरह से डिवाइडेड है जो कंट्रीज जहां पर लोकेटेड है हर कंट्री का अपना एक सेपरेट रूल है आज के पहले जब सिस्टम हुआ करता था उस समय ऐसा नहीं था समय क्या चलते थे एम्पायर हो गया

कुछ अलग एम्पायर के अंडर में और कुछ अलग एम्पायर के अंडर में इस सिस्टम का एंड करना ही क्या कहलाता है नेशनलिज्म मतलब कि एक ही जोग्राफिकल बाउंड्री के लोग एक कॉमन लैंग्वेज शेयर करने वाले लोग कॉमन एथनिक कल्चर शेयर करने वाले लोगों को के ऊपर रूलिंग किसकी होनी चाहिए एक ही व्यक्ति की रूलिंग होनी चाहिए नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों अलग अलग चीजें हैं नेशनलिज्म का मतलब डेमोक्रेसी नहीं है डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि वहां पर पब्लिक का रूल होगा नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक का रूल होगा नेशनलिज्म का मतलब है ठीक है चाहे राजा ही हो मोनार्की सिस्टम हो उससे दिक्कत नहीं है लेकिन हमारा एक इंडिया है और इस इंडिया के इतने पार्ट पर कोई और राजा हो इतने पार्ट पर कोई और राजा हो नहीं होना चाहिए एक किंग हो लेकिन पूरे इंडिया का एक ही किंग होना चाहिए रूलिंग सिर्फ एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए दैट इज नेशनलिज्म हमने लिखा भी है अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं ध्यान दीजिए क्या लिखा है ध्यान से समझना अच्छे से पढ़ना नेशनलिज्म टू द फीलिंग ऑफ वननेस देखो पॉइंटर्स को याद करो पॉइंटर्स को याद करोगे पकड़ोगे पॉइंट को पकड़ोगे तो अपने आप आंसर बन जाएगा मैं कहता हूं चार पॉइंट याद कर लो हर क्वेश्चन के लिख आप अपने आप दोगे कोई दिक्कत नहीं है फीलिंग ऑफ वननेस एक है हम अलग अलग नहीं है माइंड में तो अब हर चीज कनेक्ट भी होती है डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ा था एक सोच रहा है कि मैं हिंदू हूँ एक सोच रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ उसके क्या सोचो इंडियन हूँ वही सोचो यहाँ पर हम मौर्य के हैं हम अवध के हैं वो नहीं वननेस वी ऑल आर बिलोंग टू वन कल्चर वी आर वन ये फीलिंग यही नेशनलिज्म है कॉमन कॉन्शियसनेस समान समझ हम सब एक ही चीज समझते हैं हम सब एक ही चीज समझते हैं कि हमारे ये हमारा पास्ट था और हम सब मिलकर ये चाहते हैं हमारा फ्यूचर ऐसा होगा समझिए कि ये की है, लोगों की अलग-अलग नहीं है दैट इमर्स व्हेन पीपल लिविंग इन कॉमन टेरिटरी ऐसे लोग जो कि एक कॉमन टेरिटरी में रहते हैं कॉमन टेरिटरी का मतलब एक पूरा एरिया ज्योग्राफिकल एरिया जिसके अंदर वो सब लोग मिलकर रहते हैं मन टेरिट्री शेयर द सेम हिस्टोरिकल पोलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम है जिनका पोलिटिकल बैकग्राउंड सेम है जिनका कल्चरल बैकग्राउंड सेम है आज इंडिया की बात कर लो राजा राम की अगर हम बात करते हैं तो पूरे इंडिया के लिए ना वो तो, कहां के लिए पूरे इंडिया के लिए ना? ऐसा थोड़ी ना केवल यूपी के लिए ही है अयोध्या यूपी में तो के यूपी के लिए थोड़ी ना है पूरे इंडिया के लिए है वो। हमारा वो इंडिया का कल्चर है यूपी का कल्चर नहीं है इंडिया का कल्चर है कॉमन कल्चर हो गया दैट इज नेशनलिज्म जब ये फीलिंग आ जाती है कि नहीं ये यूपी का कल्चर नहीं है ये इंडिया का कल्चर है तो वो इंडिया एक कॉमन बाउंड्री हो गई दैट इज द नेशनलिज्म ठीक है पीपल मे बी स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस अब हो सकता है वहां पर रहने वाले लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो लेकिन इसीलिए लैंग्वेज कभी भी नेशनलिज्म का बेस नहीं हो सकता अगर लैंग्वेज को बेस बना लोगे तो हमारे इंडिया के तो 1800 टुकड़े हो जाएंगे लगभग 1800 भाषाएं बोली जाती है भारत में लगभग तो इतनी सारी लैंग्वेज लैंग्वेज को बेस बनाओ इंडिया तो 1800 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो नहीं रख सकते ना हम तो नेशनलिज्म क्या नहीं होना चाहिए नेशनलिज्म का बेस क्या नहीं होना चाहिए लैंग्वेज नहीं होना चाहिए बट द लव फॉर देयर नेशन कीप्स देम टुगेदर अपने देश के लिए जो प्यार है वही उन लोगों को एक साथ जोड़े रखता है तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें कि नेशनलिज्म आपके माइंड में जब क्वेश्चन आता है फीलिंग ऑफ वननेस कॉमन कॉन्शियसनेस लिविंग इन कॉमन टेरिटरी सेम हिस्टोरिकल कल्चरल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड चाहे इसका एक एक्सेप्शन भी लिख देंगे हम क्या कि चाहे वो क्या बोलते हो डिफरेंट लैंग्वेज ही बोलते हो क्वेश्चन समझ में आ गया आंसर समझ में आ गया कोई डाउट नहीं है किसी को जो बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है वो सारे एक बार मुझे रिप्लाई कर दें सबको बात समझ में आ गई भैया और नॉट वेरी गुड ओके बहुत बढ़िया आगे बात करते हैं चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्या है ध्यान दीजिए क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज अ नेशन स्टेट देखो एक क्वेश्चन आया है आपके व्हाट इज द नेशन स्टेट अब नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट में डिफरेंट है देखो ध्यान रखना ये नेशनल देखो अभी जो मैंने आपको ये समझाया ना यहां पर जोग्राफिकल अब सेम चीज है वो क्या सेम चीज है नेशनलिज्म मतलब इस तरह की फीलिंग अगर हमारे अंदर है तो वो नेशनलिज्म है और अगर उस काम को हमने एक्चुअल में कर दिया जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए कर रहे हैं हम वो नेशन स्टेट बन गया इस तरह से करना इस फीलिंग के साथ किस फीलिंग के साथ कि कॉमन कॉन्सियसनेस सेम हिस्टोरिकल पोलिटिकल बैकग्राउंड है हमारा ठीक है चाहे हम एक ही एक ही टेरिटरी में रहते हैं चाहे हम लैंग्वेज अलग बोल रहे हैं तो उसी के बेस पर हमने हमारे देश का निर्माण किया है उसी के बेस पर क्या किया है हमने हमारी कंट्री को डेवलप किया है दैट इज नेशन स्टेट वही नेशन स्टेट है अच्छा ध्यान रखना क्वेश्चन में आ जाता है मॉडर्न स्टेट तो मॉडर्न स्टेट का मतलब क्या नहीं है ध्यान से समझना मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है कि मॉडर्न स्टेट का मतलब वहां आ जाता है कि चाहे वो किसी भी तरह की व्यवस्था हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा चाहे व्यवस्था वो किसी भी तरह की हो चाहे नेशनलिज्म से पहले की हो चाहे नेशनलिज्म के बाद की हो मॉडर्न स्टेट का मतलब था तो नेशन स्टेट क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको अभी मॉडर्न स्टेट बता रहा हूँ है ना तो मॉडर्न स्टेट का मतलब क्या था कि मॉडर्न स्टेट का मतलब होता है कि जब जैसे साइंस डेवलप हुई हमें पता है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सबसे पहले इन्वेंशन होने लगे वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी होने लगा तो जिन जिन कंट्रीज के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन पहुंचा जैसे इंग्लैंड जैसे स्पेन जैसे रशिया यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो ये कंट्रीज मॉडर्न बन गई क्या बन गई ये मॉडर्न क्योंकि इनके पास क्या थी मॉडर्न मशीन्स थी इसलिए इनको मॉडर्न स्टेट्स कहा जाता है नेशनलिज्म के पहले भी कहा जाता है नेशनलिज्म के बाद भी इनको कहा जाता लेकिन है लेकिन नेशन स्टेट अलग बिल्कुल है नेशन स्टेट की थ्योरी बिल्कुल अलग है बात समझ में आ गई नेशन स्टेट का मतलब तो देखो वो हम पढ़ते हैं अ नेशन स्टेट रेफर्स टू अ कंट्री पहली बात क्लियर है कंट्री के बारे में बात करेंगे विद वेल डिफाइंड सॉरी डेलिनेटेड बाउंड्रीज वेल डिफाइंड डेलिनेटेड बाउंड्रीज जिसकी बाउंड्रीज को हम क्लियरली डिफाइन कर सके इसकी बाउंड्रीज को क्या कर सके है? हम क्लियरली डिफाइन कर सके उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो यूरोप में था जर्मनी भी है इटली भी है ये एक हो गया। अब यहां जर्मनी और इटली के बीच में क्लियरिटी क्लियर है तो हैं यहां तो तो तक क्या होनी चाहिए बेटा क्लियरिटी होनी चाहिए रिजाइडेड बाय पेपिल जहां पर कौन रहते हो ऐसे लोगों का जहां पर निवास हो रिजाइडेड बाय पेपिल मतलब जहां पर ऐसे लोग रहते हो सिमिलर कल्चर हो हिस्ट्री हो और उनका एथनिक कैरेक्टर भी सेम हो यही बात हमने नेशनलिज्म में पढ़ी थी फर्क क्या है कि वहां पर एक फीलिंग की बात हो रही थी यहां पर एक्चुअलिटी में एक ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो रही है फीलिंग की बात किस में थी नेशनलिज्म में और नेशन स्टेट में किसकी बात हो रही है पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है इट इज ऑल्सो सपोज टू हैव ए गवर्नमेंट ऑफ इट्स चॉइस साथ ही साथ नेशन स्टेट का मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर सरकार पसंद की बनाई जाती हो नेशन स्टेट आर सपोज टू के लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हो क्या करते हो वहां के लोग एक दूसरे का सहयोग करते हो एक दूसरे को कॉपरेट करते हो एक दूसरे के साथ, साथ मिलजुल कर रहते हो वही नेशन स्टेट कहलाता है कोई दिक्कत है बेटा डेलिग्नेटेड मतलब जिसका uh, delignated, delignated लिखा है? Delignated, delignated का मतलब clearly. हम कह सके जैसे इंडिया की बाउंड्री के ऊपर कोई चैलेंज कर सकता है वो इंडिया इंडिया। तो इंडिया है, वो नहीं है। पाक ऑथराइज्ड कश्मीर इंडिया का पार्ट भी कहा जाता है पाकिस्तान का उस पर कब्जा हो रखा है तो वो बाउंड्री किसकी है पता नहीं है अभी तक क्लियर कोई दिक्कत है इसमें बात समझ में टू सबको क्लियर है ऑनलाइन जो बच्चे बैठे वो भी मुझे रिप्लाई कर दें सारे बच्चों को क्लियर है बैठा यहाँ यह बात बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कैसे लिखना है आंसर इसमें सिमिलर कुछ भी हो जाए वो आपको सबको यहां पर ध्यान रखना है क्लियर चलिए देखिए आगे हम बात करते हैं और समझते हैं चीजों को देखिए व्हाट वाज रोलेट एक्ट अब रोलेट एक्ट के बारे में सबको पता होना चाहिए क्या था रोलेट एक्ट मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा कई बच्चे जो भी मुझे रिप्लाई कर सकें रोलेट एक्ट क्या था बेटा बताइए है याद कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को केवल शक के बिना पर गिरफ्तार किया जा सकता था कोई मुकदमा नहीं होगा उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था कहां पर जलियावाला बाग में उसी की वजह से जलियावाला बाग में स्केर हुआ था जनरल डायर आ गया था तो रोलेट एक्ट जब आता है तो जलियावाला बाग भी दिमाग में आना चाहिए लेकिन लिखना उतना ही है जितना जितने मार्क्स का हमसे क्वेश्चन पूछा है रोलेट एक्ट द रोलेट एक्ट ऑफ नाइनटीन ऑराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल विदाउट trial trial का मतलब क्या है यहाँ पर trial का मतलब वो नहीं क्रिकेट खेलते हैं trial बोले ये तो वो वाला trial नहीं है यहाँ पर trial का मतलब क्या है कि बिना मुकदमा चलाए आज, क्या होता है किसी आदमी को पकड़ा पुलिस ने पकड़ा पुलिस को अदालत ले जाएगी अदालत में ले जाएगी वहां अदालत में पेश करेगी फिर उसका मुकदमा चलेगा मुकदमा चलने के बाद अगर उसको दोषी ठहराया गया है ना तो वो जेल में रह सकता है नहीं सजा बिना मुकदमा चलाए उसको सजा सुनाई जा सकती है कन्विक्ट हिम इन कोर्ट और कोर्ट में उसको दोषी ठहरा दिया जाएगा बिना कोई मुकदमा चलाए मुकदमा चलाएगा तो जो जिस व्यक्ति को पकड़ा है वो भी अपना वकील हायर करेगा केवल शक के वल, बिना पर किसी भी व्यक्ति को कैसे भी पकड़ लिया और उसके ऊपर बिना मुकदमा चलाए क्या कर दिया जेल में उसको डाल दिया अथॉरिटीज कु इंडियन विदाउट ए वॉर जबकि क्या किसी को गिरफ्तार करना होता है सोल्यूशन सोल्यूशन मतलब जेल में ही पकड़ा वहीं पर एंड टू एंड कागजी कार्यवाही उसी में ट्रायल दिखा दिया उसी में सब कुछ दिखा दिया डायरेक्ट जेल में डाल दिया ऑल्सो द एक्ट इंप्लाइड सीवर और और राइट ये ये है ना बड़ा अच्छा वर्ड है ये 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 पूछ लेता है राइट ऑफ क्या था इसका मतलब है ये हमको जो कहीं भी आने की कहीं भी जाने की कुछ भी करने की जो आजादी होती है ना वो हमसे छीन ली गई शक हो गया अरे ये सस्पेक्टेड आदमी इसको पकड़ो और डालो जेल में ये था रोलेट क्लियर तक ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं बेटा फटाफट फ़ड़ से रिप्लाई कर दो सबको क्लियर है ये बात चलिए वेरी गुड जो यूट्यूब पे कनेक्टेड है वो भी रिप्लाई करते रहे वाला बाग मेस्केयर क्या पूछा है एक्सप्लेन जलिया वाला बाग मेस्केयर देखो इसमें हमने बहुत बड़ा लिखा है काफी बड़ा है इसको आंसर लिखा है

सेलिब्रेट करने के हिसाब से अब देखो याद रखना बैसाखी फेयर के वैसे भी पता होना चाहिए अभी सत्रह अप्रैल को बैसाखी है है ना सेवनटीन अप्रैल को भी बैसाखी है वो तो तेरह अप्रैल को ही तो हुआ था है ना और भी याद नहीं रहा पेपर तो अठारह तारीख का है अपना सत्रह अप्रैल को आलिया भट्ट रणबीर कपूर की शादी है और बैसाखी के दिन शादी है है ना ध्यान रखना याद रखने के लिए बता रहा हूं केवल है ना शादी में बुलाया नहीं है तुमको मुझे भी नहीं बुलाया वो एक अलग बात है ठीक है तो ध्यान रखना कि अप्रैल के महीने में बैसाखी का त्यौहार आता है 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 उसी के ऊपर ये अराउंड ठीक क्या था रोलेट एक्ट आ गया था उसके खिलाफ क्या चल रहा था प्रोटेस्ट चालू था क्या था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू था क्लियर है ये बात ठीक है ना अब उसके अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट चालू था तो उस प्रोटेस्ट करने के लिए उस प्रोटेस्ट को करने के लिए कुछ लोग कहा इकट्ठे हुए थे अमृतसर पंजाब के अंदर अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अमृतसर के भी आउटसाइड में अमृतसर के कहां पर बिल्कुल आउटसाइड में क्या है एक गार्डन गार्डन है उस का नाम क्या है? जलिया वाला बाग गार्डन वो वहां पर इकट्ठे हुए लोग अच्छा उसमें क्या था दो चीजें एक साथ हो गई थी कुछ लोग तो प्रोटेस्ट करने गए थे और कुछ लोग वहां पर जैसे क्या था कि अमृतसर के अंदर तो मार्शल लॉ लगा दिया था जनरल नायर ने अमृतसर के अंदर तो क्या लगा दिया था मार्शल लॉ लगा दिया था किसने जनरल डायर ने लेकिन जो रूरिया के लोग थे कर सकता है। उनको इस की जानकारी नहीं थी अब जानकारी नहीं थी तो बेचारे क्या करते चले गए वो तो क्यों चले गए क्योंकि बैसाखी आने वाली थी बैसाखी का मेले को मेले में घूमने गए थे जलियावाला बाग में थे काफी सारी गैदरिंग जलियावाला बाग में

कर रहे हैं इतने सारे लोग अगर हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं तो ये तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है उसने उसने जितने भी सब बंद करा दिए और उसने उनके ऊपर फायरिंग करवाना शुरू कर दिया। किसने शुरू कर कर दिया दिया किसने के बाद था कल 13 अप्रैल थी 13 अप्रैल 1922 थी कितना समय हो गया पूरा उसको 102 साल 103 साल है ना कल की डेट पर उस इंसिडेंट को 103 हंड्रेड कंप्लीट हो गए थे ठीक है ना बेटा ध्यान रखना ना ऐसे भी याद रहेगा कि सर ने चौदह तारीख को तो हमारी क्लास हुई थी उसमें पढ़ाया था उस दिन कह रहे थे 103 साल कंप्लीट हो गए उस हिसाब से भी एक आइडिया लगा लेना तेरह अप्रैल उन्नीस ही रहा होगा डेट नहीं भूलनी है क्योंकि ये डेट्स इंपॉर्टेंट इसलिए कि वन वर्ड में भी तो पूछ सकता है एमसीक्यूज में पूछ सकता है

नहीं है थोड़ी सी लीक सेट के बाद बताता हूँ इसके बाद भी कुछ हुआ था तभी तो उसको फिर मार दिया था भगत सिंह जी ने जनरल डायर को भगत सिंह ने फिर बाद में मार दिया था ठीक है आगे बात करते हैं पर इसको अब इसमें से पढ़ते हैं क्या लिखा है द अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचवा एंड डॉक्टर सत्यपाल ऑन टेंथ अप्रैल 1919 इन कनेक्शन विद द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट लीड टू प्रिवेसिव एगिटेशन पीपल ऑफ पंजाब पंजाब के दो तो मेन लीडर गांधी जी के बिल्कुल बड़े समर्थक तो पहले से चल रहा था ये। प्रोटेस्ट तो बहुत पहले से चल रहा था लेकिन जब ये इन दोनों मेन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद इस प्रोटेस्ट के अंदर क्या थोड़ी सी अलग जान आ गई लोगों को बड़ा गुस्सा आया पंजाब के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा इससे क्या हो गए आक्रोशित हो गए उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया आ गया ना पर वेसिव एगिटेशन अब सब जगह लोग नाराज हो गए इससे ऑन 13th अप्रैल 1919 दैट इज बैसाखी डे इस दिन बैसाखी का दिन था कौन सा दिन था इस दिन बैसाखी का दिन था पीपल गैदरड इन जलियावाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट लोग इकट्ठे हुए अच्छा वो अपन कहते हैं ना रोल अटैक के अगेंस्ट थे तो क्ट के अगेंस्ट तो थे ही सही, लेकिन उनका मेन रीजन क्या था वहां पर इकट्ठा होने का देखो वन वर्ड में, में क्वेश्चन तो भी दो तो मेन लीडर थे, कौन -कौन थे? किछलो और सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया था मेन रीजन तो था कि इनको अरेस्ट क्यों क्या रोड एक्ट के अगेंस्ट तो प्रोटेस्ट था ही सही साथ में इस चीज के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट था पीसफुल गैदरिंग वॉज अटेंडेड बाय अडल्ट एंड बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग वहां पर अवेलेबल थे द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर जनरल डायर केम टू द पार्क विद सम सोल्जर्स एंड ब्लॉक्ड द द ओनली एंट्रेंस ऑफ पार्क जनरल डायर आया और वहां पर जो एंट्री गेट थी एग्जिट गेट थे सब उसने बंद कर दिए ही देन ऑर्डर्ड द मैन टू ओपन फायर द मैन मतलब उसने जो सिपाही थे उन सबको ओपन फायर करने के लिए क्या कर दिया क्लियर उनको ऑर्डर दे दिया आगे द फायरिंग

इसके बाद क्या हुआ इससे घटना से लोगों को अंदर बहुत एक अलग सा गुस्सा आ गया तो इस इस इंसिडेंट अगेंस्ट? अगेंस्ट? अगेंस्ट काफी सारे क्लैशेस मार्शल लॉ वॉज प्रोक्लेम्ड इन पंजाब ऑन फिफ्टीन अप्रैल रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस पेन एंड एंगर ऑफ द कंट्री बाई रिनाउंसिंग द नाइट रिनाउंसिंग हिज नाइट Hood. उन्होंने कविता लेकिन Renouncing the उसके थ्रू उन्होंने इस दर्द को बताने की कोशिश की तो जलिया वाला बाग, था। उसका एक मेन इंसिडेंट मेन थीम अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो वो मेन थीम क्या बनती है देखो। एक तो एक तो सबसे तो डेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डेट क्या डेट थी थर्टींथ अप्रैल नाइनटीन पहली चीज इंपॉर्टेंट बैसाखी का दिन था उस दिन अरेस्ट कर लिया था किसको दस अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल किचलो और सॉरी डॉक्टर सत्य किचलो और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया था ठीक है क्यों अरेस्ट कर लिया था वो भी रीजन है वही जलियावाला बाग के अगेंस्ट क्या कर रहे थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जनरल डायर आता है एग्जिट पॉइंट तो सिंपल सी बात है जनरल डायर आता है एग्जिट पॉइंट बंद करता है ओपन फायरिंग करता है सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग घायल हो जाते हैं यही जलियावाला बाग इंसिडेंट है क्लियर अब इसके आगे पीछे तो आप वैसे तो मैंने बता दिया क्या लिखना है

नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इस बार तो ज्यादा क्वेश्चंस में कुछ तो पूछेगा कहां से बनाएंगे इतने क्वेश्चंस क्वेश्चंस हर टॉपिक में से आपके बन सकते हैं क्लियर है यहां तक आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधीजी इन 1919 एंड वॉट वॉज हिज एम गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट क्यों चालू किया था इंपॉर्टेंट चीज है खिलाफत मूवमेंट है ना एक इसके पीछे सब बहुत बड़ा रीजन था क्या रीजन था खिलाफत मूवमेंट को ही कौन सा मूवमेंट कहा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसके जस्ट पहले महात्मा गांधी ने एक और मूवमेंट चालू किया था सत्याग्रह मूवमेंट जो फेल हो गया था क्या हो गया था जो फेल हो गया था ठीक है? तो महात्मा गांधी के दिमाग में बात क्या होगा हो मतलब कैसे जाए हर व्यक्ति को कनेक्ट कैसे किया जाए और ये वो समय था जिस समय हिंदू और मुस्लिम एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के साथ कनेक्ट होना नहीं चाहते थे मुस्लिम्स हिंदू के साथ कनेक्ट होना नहीं सकती ये एक बहुत बड़ी समस्या थी समाधान क्या है तब महात्मा गांधी को एक समाधान दिखा ये वह समय था सेकंड वर्ल्ड वॉर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी उस समय कौन सी वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय क्या हुई थी एंड हुई थी ऑटोमन एम्पायर तुर्की में ऑटोमन एम्पायर के हेड को क्या कहा जाता था खलीफा जो कि पूरे पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे उनका हेड उसको माना जाता है था एक एक चीज है ना हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा ना उससे बहुत सारी चीजें हम क्या करेंगे रिवाइज कर लेंगे खलीफा उसको कहा जाता था खलीफा मतलब मुस्लिम का हेड अब जब टर्की हार गया ओटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था उसकी पोस्ट को खत्म करने कर रहे थे वो पोस्ट खत्म होगी तो दिक्कत किसको होगी इससे मुस्लिम्स को तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह मुस्लिम्स ने क्या किया था इसके अगेंस्ट अपना कार्यक्रम चालू कर दिया था कि भाई कैसे न कैसे ये बच जाए तो अच्छी बात है तो वही चीज इंडिया में भी चल रही थी दो भाई थे कौन कौन शौकत अली और अली, और मोहम्मद है ना? ना दो भाई थे ना? याद भैया का एक काम करो हिंदू को तुम्हारे साथ लाने की जिम्मेदारी मेरी हिंदूज क्या करेंगे तुम्हारे साथ आएंगे क्यों आएंगे इसके लिए आएंगे तुम्हारा जो खिलाफत मूवमेंट है इसके लिए हिंदूज तुम्हारे साथ आएंगे तो उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई कि खिलाफत मूवमेंट का नाम दिया मुस्लिम्स के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम दिया किसके लिए हिंदू के लिए और मिलकर उन दोनों को एक साथ लाकर उन्होंने नॉन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अब जो चीजें मैंने बताई ना आपको यही इसका बेस है इसी के बेस पर आपको इसका आंसर बन जाता है देखते हैं खिलाफत मूवमेंट वॉज फॉर्मड अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली दो नाम बताए थे मैंने आपको दोनों भाई थे ये मोहम्मद अली और शौकत अली की लीडरशिप में क्या स्टार्ट हो गया था खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया था क्लियर इट्स ऑब्जेक्ट वाज टू रिस्टोरेशन ऑफ द सुल्तान ऑफ टर्की ऑफ खलीफा ऑफ इस्लाम उद्देश्य क्या था उनका खिलाफत मूवमेंट का ताकि टर्की के अंदर ऑटोमन एंपायर का जो हेड है उसकी जो पोजीशन है उसको रिस्टोर किया जा सके उसकी पोस्ट को जो खत्म कर दिया है वो वापस बनाई बनी रहे गांधी

है हाँ ना खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर कौन थे मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे क्या रिलेशन था दोनों के बीच में हाँ है है ना क्लियर तक इसके साथ कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने देखी अपॉर्चुनिटी महात्मा गांधी ने ठीक है कौन से मूवमेंट के मतलब वो कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से महात्मा गांधी को लगा कि मुस्लिम को एक साथ लाया जा सकता है खिलाफत मूवमेंट तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक है ना आगे बढ़े बेटा कोई डाउट है इसमें जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं उनको कोई डाउट है किसी को no, नहीं है no, ठीक है एक तो सारे बच्चे बात ध्यान से सुन लें जो ऑनलाइन है और जो जूम पे मेरे साथ कनेक्टेड है अभी जैसे ही आपकी मीटिंग एंड हो जाती है आप तुरंत उस लिंक पे क्लिक करके वापस से अपनी मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे ठीक है बेटा चलिए मुझे कहना नहीं पड़े बार बार आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट और अगर जो जूम पे डिस्कनेक्ट हो जाता है वापस connection में दिक्कत आती है टाइम लगता है तो यूट्यूब लाइव चल रही है वहां से भी connect हो सकते हैं हैं चलिए क्या दिया है पढ़ते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ऐसे ही आ जाए जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है द द मेथड्स अडॉप्टेड बाय इंडियंस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय इंडियंस ने कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट किया था वो क्या है क्या नहीं है समझ में तो आए एक बार क्या था वो तरीका कौन कौन से मेथड्स को अपनाया था तो यहां पर यह क्वेश्चन यूं भी बन सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय पर इंडियंस ने क्या क्या एक्ट किए डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या क्या, काम थे। क्या, -क्या, क्या, थे? क्या के था आप याद करो सबसे पहले तो आप अपने चैप्टर पढ़ाए सारे के सारे उनको जो टाइटल्स मिले हुए थे जो उपाधियां मिली हुई थी सब रिटर्न कर दी लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स सारी छोड़ दी सिंपल सी याद रखो ना गवर्नमेंट जॉब सारी छोड़ दी जो गवर्नमेंट बच्चों को निकाल दिया, दिया। uh, कोर्ट के, के अंदर जाकर क्या कर दिया अपने केस लड़ने मतलब गवर्नमेंट के काम के, काम करना उन्होंने बंद कर दिया ठीक है फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया उन्होंने धीरे धीरे वो सिविल मतलब आगे बढ़ता हुआ चला गया वही लिखा है देखो दे रिटर्न टाइटल टाइल्स titles, titles नहीं है टाइटल आर्मी पुलिस जो भी थी सब, like सब उन्होंने छोड़ दी बाइक दुड्स एंड स्लोली स्लोली इट बिकम सिडियंस मूवमेंट सिंपल कोई डाउट है यहाँ तक सिंपल सा क्वेश्चन है याद रह जाएगा लिख के आना है ना एग्जाम में आता है तो

नेशनलिज्म <coughs> की ग्रोथ का रीजन क्या था अब इंडिया लिख दिया ना इसमें रशिया लिख दो चाइना लिख दो यूरोप लिख दो कुछ भी लिख दो आंसर सेम रहना है वहां पे जो लोग है ना जो रूल कर रहे हैं वो परेशान करते थे किसको वहां की जनता को मेन बेस तो यही है इसका अननेसरी टैक्सेस लगा देते थे कहीं भी देख लो आप इसलिए तो परेशान थे हम फ्रांस का एग्जाम्पल फ्रांस में फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट था मजे सारे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले लेते थे, थे और परेशानी टैक्स पूरा किसको पे करना है थर्ड स्टेट को मान लो शुरू से वहां पर व्यवस्था ये होती कि साहब फर्स्ट स्टेट को भी टैक्स पे करना पड़ेगा सेकंड को भी पे करना पड़ेगा थर्ड को भी पे करना पड़ेगा तो क्यों मूवमेंट होता है वहां पर सब हंसी खुशी रह रहे थे क्या जरूरत थी उनको जब परेशान होती है ना जो सेक्शन सबसे ज्यादा परेशान होगा वही आंदोलन करेगा वही क्या करेगा आंदोलन करेगा सिंबल सी बात है क्लियर देखते हैं हे आर द फोर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इंडिया पहला डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मींस ऑफ कम्युनिकेशन पहले क्या था कि लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कैसे पहुंचाए मैसेज अपना कोई भी नेशनलिस्ट है वो चाहता है कि सबको अपनी बात पहुंचा दे पता बता दे मेरे मन में कुछ है मैं क्रांति लाना चाहता हूं लेकिन मे, मे, मेरे मन में क्रांति लाना चाहता हूं मैं सबको मेरे साथ कनेक्ट करना चाहता हूं लेकिन आने जाने का साधन नहीं अपनी बात पहुंचाने का कोई मीडियम नहीं लेकिन क्या हुआ उस समय कि ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जब मीन्स बढ़े तो अपने विचार एक्सचेंज करना आसान हो गया और नेशनलिज्म लोगों में धीरे धीरे बढ़ने लगा परेशानी तो थी सही एक रीज़न था ग्रोथ है ना ग्रोथ की बात पूछिए इकोनॉमिक एक्सप्लोडेशन बात आ गई ना वही इंडियंस को इकोनॉमिकली एक्सप्लोइट कर रहे थे कौन ब्रिटिशर्स अननेसेसरी के टैक्सेस उनके ऊपर इंपोज किए जा रहे थे इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स इंटरनेशनल इवेंट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन रशियन रिवॉल्यूशन जर्मनी का उदय होना ये बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जब लोगों ने देखा इंडियंस ने यार वहां के लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हम क्या कमजोर थोड़ी ना है

करने वाले लोग आ गए थे राजा राम मोहन राय महात्मा गांधी ये सब क्या करते थे ज्योतिबा फुले इन सब का उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाए समाज में जो बुराइयां है ना उनको खत्म किया जाए अब वो बुराइयां खत्म होती है तो लोग डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट होता, होता है तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएगा देखो सीधी सी बात है आज मान लो मैं अंधविश्वास में पड़ा हुआ हूं और मेरा बच्चा बीमार है और अगर मैं अंधविश्वास में रहता हूं मैं सिर्फ झाड़फूक पे रहूंगा झाड़ बुक पे रहूंगा केवल तो बच्चा का भी ठीक नहीं होगा ठीक नहीं होगा मैं और कमजोर होता हुआ चला जाऊंगा मतलब मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन वीक होगी आगे मेरी जो है जनरेशन है वो भी वीक हो रही है लेकिन अगर मैं समझ गया हूँ मुझे लोगों ने समझा दिया है कि नहीं आप इसका मेडिकली ट्रीटमेंट एक गोली से ठीक हो जाएगा दवाई दूंगा दवाई दूंगा वो

कंफर्म आगे बात करें अपन चलिए देखते हैं अपन और आगे इनको एक्सप्लेन कर दो मैंने समझाया ना अभी ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ गया क्योंकि तो देखो डेवलप रेलवे बढ़ गए थे टेलीफोन्स आ गए थे उस समय है ना उससे इजी हो गया था अपने मैसेज को कन्वे करना यह बात आपको लिखनी है इकोनॉमिक एक्सपर्टेशन तरह तरह के टैक्सेस इंपोज किए जा रहे थे और ये वो समय था जिस समय रेनफॉल कम हुई थी तो फसल भी बर्बाद हो गई थी उस समय पेंडेमिक्स में आया था नाइनटीन में भी तो पेंडेमिक आया था उस समय पेंडेमिक आया था तो लोगों के पास पैसा नहीं था लेकिन टैक्सेस कम नहीं हुए थे इधर से इनकम नहीं है उधर से टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो लोग इकोनॉमिक एक्सपर्ट हुए तो अपने गुस्से को उन्होंने इस तरह से निकालना शुरू किया इंटरनेशनल इवेंट्स मैंने समझाया रशिया फ्रांस वाले एग्जांपल लिख दो इसके अंदर वहां से लोग क्या हुए अपने इंडियंस इंस्पायर हुए लीडर्स आए लीडर्स वहां गए थे वो वहां पे क्या हुए थे उनसे इंस्पायर हुए थे अब जब इंस्पायर हुए

नहीं थी मजबूरी में वहीं पर रहना पड़ेगा ठीक है मतलब उनको इंडेंटेड लेबर की तरह काम करवाया जाता था इंडेंटेड लेबर समझते हो ना बंधुआ मजदूर की तरह उनसे पैसा बहुत कम दिया जाता था बिना परमिशन के वो जा नहीं सकते थे बिना बात ओनर्स उनको मारते पीटते थे सारे बहुत सारे इस तरह के काम होते थे क्लियर देखिए एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ट्राइबल्स हु यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट्स फोर्स इन प्लांटेशन वेन देर बार्ड फ्रॉम लिविंग इन चीज क्या थी कि जो लोग थे उनको जंगलों में रहने से मना कर दिया गया था किनको किनको मना कर दिया था याद करो ट्राइबल्स को है ना हमने पढ़ा था ना रूल आ गया था वहां पर कि जंगल में अब लोग नहीं रह सकते जंगलों के ऊपर किसने कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने तो जो लोग वहां रहते थे जिनकी लाइफ पूरी किसके ऊपर डिपेंड थी

यहाँ पर जो लोग काम करते थे ना वो कैसे लोग थे ज्यादातर कि जो नॉर्मल प्लेन्स मतलब मैदानी इलाकों से आते थे यूपी के है ना बिहार के और उनको पहाड़ों पर जाकर काम करना पड़ेगा आज आप वो कहते हैं कि पहाड़ों पर घूमने जाना तो अच्छी बात है पांच दिन के लिए शिमला मनाली जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है वहीं रहो रह नहीं पाओगे वहां पर और आज तो चलो फिर भी बहुत सारी फैसिलिटीज डेवलप हो गई है तो भी दिक्कत आएगी लेकिन जो उस समय कोई ना कोई फैसिलिटी पानी भी लेने जाना तो पूरा पहाड़ नीचे जाओ जाओ फिर ऊपर ऊपर तो बड़ी बड़ी लाइफ भी एक डिफिकल्ट पुलिस एंड प्लांटेशन ओनर बीट वर्कर्स रेगुलरली कभी कौन पीट गया कभी कौन पीट गया तो उनकी स्थिति क्या थी बड़ी दयनीय उनकी क्लियर आगे बढ़े कोई डाउट नहीं है किसी को जो ऑनलाइन बच्चे बैठे वो रिप्लाई करते रहो बेटा कोई डाउट है किसी को वेरी no, गुड आगे बढ़ते हैं अपन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हाउ वॉज द सिविल डिस मूवमेंट डिफर फ्रॉम अर्लियर मूवमेंट्स सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट पहले के मूवमेंट से किस तरह से अलग था

स

और उसकी वजह से नॉन कॉपरेशन में मुस्लिम्स को साथ दिलवा देते लेकिन सिविल डिसोबिडेंस में नहीं आए थे वो क्या कहा उन्होंने बोला पहले भी हमारे साथ क्या हो गई चीटिंग हो गई बोला अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे है ना बट द ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड हिंदू महासभा प्रिवेंटेड द मुस्लिम्स टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट क्योंकि जो कांग्रेस है उसका भी ध्यान हिंदुओं की तरफ

ज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द सिविल डिसोबिड मूवमेंट लेकिन सिविल डिसमेंट में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था क्लियर है किसी को ऑनलाइन बच्चे बैठे क्वेश्चन सबको समझ में आ गया सबको क्लियर है यहां तक चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बेटा अपन ध्यान दीजिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन समझना अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो मेन सारी चीजें बात यह है कि मैंने आपको सबको सारी चीजें पॉइंट्स में बताई है सारे नोट्स आपको यहां पर अवेलेबल हैं अब वापस वीडियो को देखेंगे वहां भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे किसी को पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हैं उसके लिए मैसेज भी कर सकते हैं आप मुझे पर्सनली जो नंबर नीचे चल रहे हैं उनके ऊपर मैसेज कर देंगे ऐप डाउनलोड कर लेंगे ऐप के अंदर भी आपको सारे की सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी एग्जाम स्पेशल के नाम से ठीक है

सोचने की शक्ति है इंग्लिश में याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिनको दिक्कत हो रही है कि सर हमें याद करने में दिक्कत आती है चीजों को ना हिंदी में सोचना शुरू करो शुरू से इंग्लिश में बीडियम में पढ़ रहे हो लिख तो सकते ही अपन तो मेन मेन पॉइंट्स तो हमें लिखने हैं ना अब देखो ये सारी चीजें मैंने आपको पॉइंट्स में लिखी हुई है इसको पैराग्राफ में लिख दो वही बात है पॉइंट्स में लिख दो बात चीजें तो यही लिखनी है पांच नंबर में पूछे पांच नंबर में इतना सारा लिख दो तो भी बहुत है बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा ये अपना

कितने दिन चले थे कहा चले थे वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है डेटा आपको सारा याद होना चाहिए ठीक है सोल्ट मार्च के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है थाउजेंड्स ऑफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट द द कंट्री सोल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट एंड गिविंग डिमॉन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सोल्ट फैक्ट्रीज सरकारी नमक की फैक्ट्रियों के पास जाते थे बैकग्राउंड में फ्लैश आ रहा है एक मिनट रुको बेटा मैं देख सही करता हूं इसको क्या दिक्कत आ रही है अभी नहीं आएगा फ्लैश ठीक है देखिए ओके, तो गांधी जी ने जो सॉल्ट मार्च किया था उसकी वजह से स्टार्ट हुआ था कौन सा मूवमेंट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट ठीक है अभी ठीक है ना कौन है ये शीला शर्मा एक बार रिप्लाई कर दे दिक्कत आ रही होगी आपको देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पिकेटेड है ना ये पिकेटेड पूछ सकता है आपसे यू मीन पिकेटेड का मतलब याद है क्या नहीं है भूल गए बताया था मैंने क्या था मतलब कि एक शॉप यहाँ पर है ये इसकी जो एंट्री है ना चारों तरफ बैरियर लगा दिए कोई जा नहीं नहीं सकता दुकान को नहीं लूटना है ना दुकान को बंद करने से मना कर दुकान तो ले। दुकान तो खोल ले। लेकिन पे किसी को आने नहीं देंगे हम तभी तो बैन लग... वो होगा वाइकआउट होगा ना आने नहीं देंगे बैरियर लगा दिए चारों तरफ देट इजेटेड लूट लाट लाटी नहीं करनी है थोड़ा फोड़ी भी नहीं करनी है

का जानवरों को चरवाने के लिए चले गए इन कंट्री साइड रिच पीच एंड कम्युनिटी फॉर एग्जाम्पल पाटीदार ऑफ गुजरात जाट ऑफ उत्तर प्रदेश बिकम सपोर्टर्स ऑफ सिविल डिसोबिड मूवमेंट ये बड़े पावरफुल लोग थे ये भी सिविल डिसोबिड मूवमेंट को क्या करने लगे थे काफी सपोर्ट करने लगे थे

देखो समय लग रहा है और लगेगा भी बहुत बड़े चैप्टर्स हैं हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करने में हमको ढाई महीने लगे थे है ना तो हम एक दिन में कुछ घंटों में इसको पूरा रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कोई बात नहीं समय लगने दो थोड़ी देर पढ़ लेंगे बेटा अट्ठारह तारीख के बाद कोई नहीं कहेगा आपसे एस पढ़ो और स्पेशली जो बच्चे आर्ट्स नहीं लेंगे उनसे तो कभी जिंदगी में कोई नहीं कहेगा दोबारा जब तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए नहीं जाओगे है ना बात समझ में आ रही है ना तो अभी थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें अठारह तारीख का पेपर निकल जाए उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह द रोल ऑफ वुमेन इन द कोर्स सिविल डिस मूवमेंट सिविल डिसोबिड मूवमेंट में वुमेन्स का क्या रोल था क्या क्वेश्चन बन गया हमारा कि सिविल

मैन्यूफेक्चर्ड सोल्ट एंड पिकेटेड फॉरन क्लोथ एंड लिकर शॉप ने क्या किया मूवमेंट का पार्टिसिपेशन किया मूवमेंट में आई उनके साथ जुड़ी ठीक है मतलब रैली निकलती है उसमें भी साथ में गई उन्होंने भी नमक बनाएंस बनाए, ने भी क्योंकि सिविल डिसमेंट की शुरुआत किस समय हुई थी सोल्ट लॉ को ब्रेक करने से ना तो उन्होंने भी वो काम किया एंड फॉरन क्लोथ और लिकर शॉप से उनको भी उन्होंने पिकेटेड किया क्लियर तो को याद होनी चाहिए चीजें। बहुत सारी जेल भी गई टू जेल हाउस होल्ड मतलब बड़े घर की महिलाएं भी इसके अंदर आई सीधी सी बात क्या है कि जो रिच फैमिलीज थी ना उनकी वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया उनको देखकर जो लोअर जो है ना पुअर वुमेन्स थी वो भी पार्टिसिपेट करने लगी बट this did not bring about any radical देखो ये यहीं पर खत्म हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर तो आगे की जो लाइन लिखी है ना उसी पे इतने से लेकिन क्या इससे विमेन्स के इमेज पे कोई फर्क पड़ा वहां कोई चेंज नहीं आया इमेज जैसी थी वैसी अभी भी बनी हुई थी बट दिस did not bring about any radical change in the position of the women बहुत आगे भी बहुत सालों तक विमेंस को कांग्रेस के अंदर कोई मेन पोस्ट नहीं दी गई कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी आज भी वैसी थी। बहुत अच्छा था। लिख प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया मार्चेज में हिस्सा लिया लिकर शॉप्स को पिकेट किया जेल भी गई रिच फैमिलीज की वीमेन भी आई पुअर फैमिली यही तो चीजें यही सिविल मूवमेंट का स का रोल है क्लियर कोई डाउट है भैया यहां तक रिप्लाई करते सारे बच्चे कोई डाउट है किसी को बहुत बढ़िया चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन अब क्या है डिड फेल टू रेस्पोंड टू द कॉल ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल ड्यूरिंग सिविल डिस मूवमेंट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के टाइम पर मुस्लिम्स को ऐसा क्यों लगा कि हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते किसका हिस्सा नहीं बन सकते सिविल मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते अब इस क्वेश्चन का आंसर आप तब लिख पाओगे जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहली बात तो पता होगा वो तो ऑब्वियस ही बात है हर क्वेश्चन का आंसर तभी लिख पाओगे जब पता होगा पता नहीं होगा तो आंसर हम वैसे भी नहीं लिख पाएंगे लेकिन इसके अंदर स्पेशलिटी इस क्या है कि इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम्स के पार्टिसिपेशन की शुरुआत कैसे थी क्या थी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि हिंदूज भी तुम्हारा साथ देंगे और हिंदूज के सपोर्ट की वजह से तुम्हारे को जो वो खलीफा वाला इशू है ना वो तुम्हारा रिजोल्व हो जाएगा लेकिन वो हुआ नहीं उसके बाद समय जो आया 1922 से लेकर 1930 के बीच का जो आठ साल निकले हैं ना इन आठ सालों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि मुस्लिम्स एक तरफ मुस्लिम लीग डेवलप होता गया वो बार बार मुस्लिम्स को ये कहता रहा कि नहीं हम हम को हिंदूज क्या नहीं रहने देंगे इंडिया में रहने ही नहीं देंगे

कांग्रेस तो मुस्लिम्स को लगा कि ये तो गांधी जी बुला रहे हैं कांग्रेस का मूवमेंट है मतलब के लिए मूवमेंट है हमारे लिए इसका कोई समाधान नहीं और हमारे साथ पहले भी चीटिंग हुई है तो हमें इसके अंदर कनेक्ट नहीं होना है जिसने समझ में आ गया यही क्वेश्चन की थीम है क्वेश्चन भी पूछना यही चाह रहा है बेसिक थीम मैंने आपको बता दी है इसके बेस पर हमें आंसर बनाना है बन गया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खलीफ खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस मुस्लिम्स को लगने लगा हम कांग्रेस से अलग हैं हम क्या नहीं है हम कांग्रेस का पार्ट नहीं है आफ्टर सम टाइम द कांग्रेस कैम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द हिंदूज थोड़े दिनों के बाद कांग्रेस के लिए लगने लगा कांग्रेस हिंदूज के साथ ज्यादा कनेक्टेड है ये दिखाई भी देने लगा लिखा लाइन बी मोर विजिबली असोटिएट एसोसिएटेड तो लगता था कि कांग्रेस केवल किसके साथ कनेक्टेड है हिंदू के साथ कनेक्टेड है ड्यू टू विच द रिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड द कांग्रेस वंस्ट इसी की वजह से मुस्लिम्स और कांग्रेस के बीच के संबंध क्या होने लगे वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम के संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ गए ओनली टू वर्सन द सिचुएशन मैनी हिंदू मुस्लिम कम्यूनल क्लैशेज द सिटीज और ये जो आठ साल का टाइम पीरियड मैंने बताया ना इस टाइम पे बहुत सारे देश के बहुत सारे हिस्सों में हिंदू मुस्लिम के दंगे भी काफी हुए हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी बहुत सारे हुए मुस्लिम जो बात समझाई थी वही लिखी है कोई डाउट है इसमें बिल्कुल क्लियर सबको समझ में आ गई बात एसोसिएशन ऑफ कांग्रेस विद हिंदू महासभा एक ये भी बड़ा रीजन था कि जो कांग्रेस ने हिंदू महासभा के साथ कनेक्टेड थी बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग के साथ कनेक्टेड नहीं थी तो हो गया ना अपने आप एक इक्वेशन इक्वेशन बन बन गई क्या बन गई क्या कांग्रेस प्लस हिंदू महासभा तो मतलब हिंदू महासभा को सपोर्ट क्यों कर दिया कांग्रेस इतना क्योंकि वो हिंदू की पार्टी है डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ड एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस फ्रॉम ट्वेंटी हिंदू महासभा किसी को क्वेश्चन का मेन बेस समझ में आ गया सबको ये ऑर नॉट रिप्लाई करें सारे बच्चे ऑल स्टूडेंट्स रिप्लाई बात समझ में आई है या नहीं आई क्लियर है सबको चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं अच्छा ये भी उसी के बात लिखी हुई है ना चीजें वही है जो बात मैंने पैराग्राफ में लिखी थी ना बेटा उसी चीज को आगे पॉइंट्स में भी लिख दिया ना जैसे कम्युनल क्लेशेस उसी क्वेश्चन का आंसर है ना कम्युनल क्लेशेस एज रिलेशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम वंस्ट ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलियंट मिलिटेंट फेवर विद मिलिटेंट फेवर provoking hindu muslim communal clashes and riots in various cities every riot depend the distance between the two communities simple or issue of demand for separate electro uh, electorates ye to yaad hoga sabko separate electorates nahi hai yaad muslims ki demand thi कि हमारे लिए क्या बनाया जाए एक separate electorates बनाया जाए मतलब इंडिया में रहेंगे लेकिन इंडिया में हमारे लिए एक अलग से जगह अलॉट कर दिया है वहां का सारा रूलिंग अलग वहां की वोटिंग अलग सब कुछ हम, हम हमारे हिसाब से करेंगे मतलब हिंदुस्तान में मुस्लिम्स के लिए द कांग्रेस लीडर्स क्लियर है यहां तक कन्फर्म आगे बात कर देखिए आगे क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? अब आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है एक्सप्लेन सत्याग्रह मूवमेंट क्या लिखा है भाई एक्सप्लेन द सत्याग्रह मोवमेंट देखो ये मैं समझा चुका हूं मैक्सिम चीज के अंदर से फटाफट इसको रीड करो और मुझे कोई डाउट हो तो वो आप बताएं इसको रीड करेंगे और मुझे बताएंगे बात समझ में आई है या नहीं आई Hmm. आई बेटा समझ में बात सिंपल सी बात लिखी है ना क्या है द सत्याग्रह मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी ये भी क्लियर है बन एक बन गया गया क्वेश्चन जो क्या फिल इन द ब्लैंक्स है ना द अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट्स ऑक्यूपेंसी ऑन आयरलैंड इसलिए तो किया था क्योंकि तो उन्होंने हमारे देश को अपने कब्जे में ले रखा था सत्याग्रह मूवमेंट वॉज a नॉन वायलेंट मूवमेंट वैसे तो महात्मा गांधी के सारे मूवमेंट कैसे थे थे, बेस्ट टू स्टॉप उनको रोके जो उनका उद्देश्य वो पूरा नहीं होना चाहिए द वर्ल्ड वॉज इंप्रेस्ड बाय महात्मा वे ऑफ डीलिंग विद डोमिनेंट ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया ने महात्मा गांधी की सराहना की बड़े बहुत अच्छे तरीके से आप इन अंग्रेजों को क्या कर रहे हो डील कर रहे हो नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर किंग इज ऑल्सो शेप्ड देर मूवमेंट बेस्ड ऑन सत्याग्रह मूवमेंट आगे आगे की बात है मार्टिन लूथर किंग नेशनल नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के अंदर जो उन्होंने व्हाइट माइनॉरिटी रूल के अगेंस्ट क्या किया था आंदोलन किया था वहां पर क्या है कि वो सब काफी इंस्पायर हुए थे उनसे और उन्होंने भी आगे जाकर अपने मूवमेंट्स उसी के हिसाब से चलाए थे ठीक है ना अफ्रीका में साउथ अफ्रीका है ना ध्यान रखना अफ्रीका अलग है साउथ अफ्रीका अलग है अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और साउथ अफ्रीका उस कॉन्टिनेंट की एक छोटी सी कंट्री है साउथ में बिल्कुल क्लियर है यहां तक इक्वेशन सबको समझ में आ गया रिप्लाई करते हैं बेटे सारे बच्चे यस और नॉट ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं हैं वो रिप्लाई करते यस और नॉट सबको समझ में आ गई बात चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी वाई वॉज साइमन कमीशन सेटअप और वाई वॉज बाइकॉटेड बाय द इंडियन साइमन कमीशन की स्थापना क्यों हुई पहली बात तो और इसका बाइकॉट क्यों किया गया याद है साइमन कमीशन की स्थापना क्योंकि ये थी? छोटा सी स्टोरी बताता हूं आपको याद आ जाएगी चीजें हमने कहा साहब हमको हमारे देश पर रूल करना है अंग्रेजों ने कहा तुम नहीं कर सकते तुम्हें लक्खणी नहीं है हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है इंडियंस के अंदर कि तुम क्या कर सको रूल कर सको बोले चेक कर लो ठीक है कमेटी बना लेते हैं कमेटी बोले उसमें कुछ इंडियंस होंगे कुछ वो ब्रिटिशर्स होंगे मिलकर एक चेक करेंगे कि तुमको रूल करना आता भी है या नहीं ठीक है साहब इसलिए तो साहब कमीशन बना बाइकआउट क्यों किया गया क्योंकि जब कमीशन बनाया उसके अंदर इंडियन एक भी नहीं था जब कित क्या हुआ था कुछ इंडियंस होंगे कुछ ब्रिटिशर्स होंगे इसलिए उसका बाइकआउट हो गया सिंपल सी बात है याद रह जाएगी चीज वही हमने लिखा भी है शायद इसको इसको जब जब किया गया इसको जब बनाया गया बनाया इसमें एक भी Indian member नहीं था the government of Britain had appointed the commission in 1927 गोल ऑफ द साइमन कमीशन वाज टू गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज वर्किंग कि अगर इन लोगों को ऊपर छोड़ दिया जाए देश चलाओ कैसे लिखने का ये तो बात है लिख दो इसको इसी तरह से कि हम लोग हमारे चेक करने के लिए साइमन कमीशन बनाया अब चेक कैसे होगा कुछ इंडियन आओ कुछ ब्रिटिशर्स आओ सब मिलकर काम करो तभी तो, तो पता लगेगा कि कौन सुपर है लेकिन जब कमीशन बना उसमें एक भी इंडियन था नहीं इसलिए इसका बाइकआउट हो गया सिंपल सी बात ठीक है इसका एक बहुत फेमस आ, स्लोगन है साइमन गो बैक ठीक है ना ये ध्यान रखना सबसे पहले साइमन कमीशन कहाँ आया इंडिया में जब ही बात है इंडिया में आएगा इंडिया के लिए बनाए तो कहाँ आया था शिवाजी छत्रपति टर्मिनल पर इसी साइमन कमीशन जब इंडिया में पहली बार पहुंचा था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर मुंबई तब इसका काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था लाहौर के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहा था जहां पर हमारे एक प्रोमिनेंट लीडर थे उनके सर पे चोट लगी थी लाठी चार्ज करता था पुलिस ने सर पे लाठी लगी और उनकी डेथ हो गई थी बताओ लाला लाजपत राय ठीक है याद रहेगी चीज चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं बेटा क्या है देखो वो बहुत देखो अच्छा क्वेश्चन है मैं ये तो नहीं कहता कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन आपसे महात्मा गांधी के बारे में पूछा जा सकता है और उसके हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साबरमती आश्रम सेटअप ये क्वेश्चन में नहीं कहता बड़े में तो नहीं आएगा मेजर क्वेश्चन में नहीं आएगा निश्चित रूप से यह मैं गारंटी देता हूं आपको राजस्थान बोर्ड के लिए तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है साबरमती आश्रम किसने बनायान वर्ड उसमें आ जाता है किसने बनाया महात्मा गांधी ने ठीक है और कब बनाया 1915 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी कहां पर की थी अहमदाबाद में क्लियर पर बनाया इसको साबरमती नदी के किनारे पर समझ मारी है ना क्लियर चीज़ क्या लिखा है साबरमती आश्रम फॉर्मरली ए सत्याग्रह आश्रम इसको सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है कहां पर सिचुएटेड अहमदाबाद में एट द कोचारा बंगलो ऑफ

कौन कह रहा है इनको याद रखो मैं तो कह रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसके नजर से बता दी किसने बनाया महात्मा गांधी ने कहाँ पर है अहमदाबाद में कौन से नदी किनारे पर है साबरमती नदी किनारे पर इतनी सी चीज़ याद रखनी है यार बस हम रीड कर रहे हैं ठीक है आ जाए उस वक्त दिमाग में तो लिख दो कई बार किसी क्वेश्चन का आंसर हमें इसलिए याद है नहीं कुछ मिल रहा तो ये लिख देना है ना एक रिलेट तो ही रहा है ना महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पूछ लिया आपसे महात्मा गांधी के रोल के बारे में पूछ लिया

क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में क्योंकि आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय क्विट इंडिया मूवमेंट और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट ये नहीं आया ना मेरे पास अब तक ये बता देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ 8th अगस्त 1942 को भाई महात्मा गांधी अब इस समय कौन सी वर्ल्ड वॉर चल रही थी सेकंड दो ही तो हुई है अब तक पहले तो 1914 1918 तो दूसरी इस समय

थर्ड मेजर मूवमेंट पहला दूसरा तीसरा सिविल सत्याग्रह मूवमेंट को मेजर मूवमेंट के अंदर नहीं देखा जाता है मेजर तो बहुत सारे किए ना उन्होंने सत्याग्रह को मेजर मूवमेंट के अंदर नहीं देखा जाता है मूवमेंट थे पहला सबसे मेजर मूवमेंट नॉन कॉपरेशन दूसरा सिविल डिसोबिड थर्ड क्विट इंडिया मूवमेंट दो गांधी जी वॉज अरेस्टेड इमीजिएटली द यूथ

ये movement successful रहा और इंडिया छोड़कर उनको जाना पड़ा क्लियर आ गई क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लिख दोगे, ये important है। है? को ये start हो गया था, ठीक है? इसका proposal कब हुआ था कौन से सेशन में हुआ था? यह भी याद रखना क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल महात्मा गांधी ने कौन से सेशन में दिया था और कब दिया था एक अलग अलग डेट है यहां पर दूसरा ये इस, इस को कब किया गया था एक्सेप्ट तो की डेट तो है हमारे पास जिस दिन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और कहां पर हुआ था बॉम्बे में कलकत्ता में उन्होंने इसका प्रपोजल दिया था जुलाई के अंदर या सेकेंड अगस्त शायद इसकी डेट ठीक है नेक्स्ट वाई डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस चेंज इट गोल फ्रॉम स्वराज टू पूर्ण स्वराज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना जो डिमांड था स्वराज का उसको पूर्ण स्वराज का नाम क्यों दे दिया गया था देखो रीजन सेम मिलेंगे ओवर एक्सप्लोर्टेशन ऑफ इंडियन मास भारतीय लोग आप ज्यादा क्या कर रहे हो अत्याचार कर रहे हो डिसटिस्फेक्शन ऑफ साइमन कमीशन लाला लाजपत राय की मौत और राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ये मेन रीजन आप याद रख लेंगे कोई दिक्कत इसमें? सिंबल है इसमें सिंपल सी चीजें ठीक है नेक्स्ट क्रिटिकली एक्समाइंड द मेन एस्पेक्ट क्रिटिकली एग्जमाइंड द मेन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1920 ट्वेंटी टू नाइनटीन अब 1920 और 1935 के बीच में तीन मूवमेंट हो गए नॉन सिविल फर्स्ट और सिविल सेकंड। आपको उसकी आलोचना करनी है कमियां बतानी है क्रिटिकली एग्जाम का मतलब आपको उसकी आलोचना करनी है कमियां बतानी है लिमिटेशन आपको वहां पर उनकी बतानी है ठीक है ना क्या थे

महामारी आ गई थी उस समय एंड क्रॉप फेलियर इज कॉमन सो द प्रोडक्शन इज लेस प्रोडक्शन कम हुआ सत्याग्रह दूसप्ट आइडिया टू फाइंड द ट्रूथ ओवर मास एगिटेशन द फिजिकल फाइट इज नॉट ने टू सप्रेस द ऑपरेशन दिस कुड बी डन बाई अपीलिंग द कॉन्सियसनेस ऑफ द ऑपरेशन समझ को उसके को ये ये गांधी जी ने ये आ गया ना यहां पर ये सत्याग्रह क्या होता है उसके बारे में दिया है ये डू मीन बाय सत्याग्रह सत्याग्रह क्या होता है वो बताया आपको यहां पर क्लियर लिख दोगे छोटी छोटी चीजें बन के आ रही है ना मैंने कहा ना छोटे क्य। बड़े क्वेश्चन पूरा याद कर लिया तो बहुत सारे छोटे क्वेश्चन याद हो जाएंगे बहुत सारे छोटे याद कर लिए तो एक बड़ा क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा ये बेस बना है इस क्वेश्चन का आगे फिर चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिख दिया चंपारण सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह ज्यादा बड़ा आपने नहीं है है ना सिलेबस के अंदर तो आपको ज्यादा इसके अंदर ध्यान नहीं देना है उसके बाद इसके अंदर ये आ, वो आ गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है उसके प्रॉब्लम्स दी हुई है फिर उसके बाद वही सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट आ गया ठीक है तो वही सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है ज्यादा आपको इसके अंदर डिटेलिंग में जाना नहीं है मैं नोट्स भेज दूंगा एक्सप्लेन में आपको सारी चीजें वैसे भी इसके अंदर कर ही चुका हूँ ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं अपन एग्जाम Examine, Satyagre, वो जो जलिया वाला के, को लीड करने वाले मेन इंसिडेंट्स कौन कौन से थे वो हमसे यहां पर पूछा था अभी बंद हो गया ये, इसको हम वापस स्टार्ट कर लेते हैं

कि जनरल डायर ने क्या लगा रखा है मार्शल लो भी लगाया हुआ है the माइंड ऑफ दर पैदा करना चाह रहा था दिस इंसिडेंट ओनली टू अडमार्क इन दिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट दिस ये और अच्छी चीज़ इस इंसिडेंट की वजह से इंडिया के अंदर मतलब मतलब काफी एक एक अच्छी चीज़ हो हो गई लोगों के मतलब के अलग अलग से गुस्सा आ गया लोग ही एक्टिव गए आजादी पाने के लिए ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया गांधी ने देखा मुझे और भी बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना है गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड

फोर्स टू परफॉर्म बीगर क्या स्टेप किए गए किसान सभा किसान सभा को क्या किया गया ऑर्गेनाइज किया गया मुझेंट, मुझेंट हुआ था याद हैल्लूरी सीताराम अभी जो मूवी आई है ना ट्रिपल आर उस ट्रिपल आर ट्रिपल आर जो मूवी आई है ना उसके अंदर जो एन टी आर है उन्होंने उसी सत्याग्रही का अल्लूरी सीताराम का ही क्या किया है? रोल प्ले किया है उसके अंदर ठीक है ना नेक्स्ट अटैक्ड है घूम फिर चीजें तो वही आनी है तो ये ऑलमोस्ट मैंने पूरा चैप्टर कोशिश की कि आपको इस के इन के अंदर, पूरा, पूरा चैप्टर हमने कवर किया है राइट right? ऑलमोस्ट हमने क्या कर लिया है? यहां पर पूरा चैप्टर कवर कर लिया है अब हम कोशिश करते हैं एक और चैप्टर यहां पर लेके कर दें स्टार्ट टाइम कम है हमारे पास तो आपकी अगर इच्छा होगी तो ही मैं स्टार्ट करूंगा एक और चैप्टर नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे ठीक है जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं एक बार वो भी मुझे बता दें स्टार्ट करें या ना करें यूट्यूब पे जो बच्चे हैं वो बता दें मुझे कि इस चैप्टर को और नेक्स्ट एक चैप्टर और हम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं स्टार्ट कर दें यूट्यूब पे जो बच्चे हैं वो कमेंट करके मुझे रिप्लाई करें कर दो सर ओके शीला शर्मा शीला शर्मा के नाम से है कौन मैं जानता ही नहीं हूं ऋषि ओके दिया, दिया, ने भी कर दो ओके कई सारे बच्चों ने गाया वेरी गुड ओके पता लग गया ऋषि तुम ही हो बेटा चल तो हम करते हैं बेटा नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं देखते है कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन अभी ये क्या है ये तो एमसीक्यूज है इसको तो रहने देते हैं अपन हा द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप ये भी ख्याल से बड़ा टिपिकल चैप्टर था याद ही नहीं होता है सर है ना ये भी याद ही नहीं होता है ना अपने को दिक्कत क्रिएट करता है ये एम सी क्यूज आ जाएगी ये भी इसको भी हटा देते हैं फिर हाँ एम सी क्यूज तो मैंने सबको दिए हुए हैं ना अभी उनके ऊपर हमारा फोकस है ही नहीं ये क्या पूरी चीजें आई नहीं कि इसके अंदर चलिए आ गया करें पानी पिलवा देते बिल्कुल जब तक तो इन क्वेश्चंस को रीड करें बेटा सारे बच्चे को बनी हा देखिए शुरू करते हैं बेटा अपन करते शुरू yes, पहला क्वेश्चन व्हाट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी व्हाट डज द स्टैच्यू सिग्निफाइज ठीक है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या था पहले तो याद करो फ्रेडरिक सोरियो उसने फोर प्रिंट्स की एक पेंटिंग बनाई थी है ना उसने ड्रीम देखा था पूरे वर्ल्ड से मोनार के सिस्टम खत्म हो गया है उसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उसने क्या माना एक मूर्ति माना उसमें दिखाया एक सारी कंट्रीज उसको पास होके निकल रही है सब कुछ उसने उसके अंदर विजुअलाइज सारी चीज़ें उसने कर दी थी याद है या नहीं है ये तो याद है ना तो वही तो चीज़ है अलग से और क्या अलग से तो और कुछ है नहीं उसके अंदर विजुलाइज उसने किया था तो उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर दो चीज़ें एक तो वो मूर्ति वो जो इमेज है किसकी वो जो लेडी की इमेज है जिसके एक हाथ में टॉर्च है एक हाथ में बुक है वो टॉर्च बता रही है एनलाइटमेंट टॉर्च क्या दिखा रही है एनलाइटमेंट की अज्ञानता खत्म हो गया है बुक जो क्या बता रही है चार्टर ऑफ मैन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है चार्टर ऑफ मैन है वो चार्टर ऑफ पीपल नहीं है मैन लिखा है उसके अंदर केवल क्योंकि तो उस समय केवल पुरुषों के लिए बात की गई थी विमेन्स के लिए वो अधिकार की बात नहीं की गई थी उसके अंदर

वो बनाया था अमेरिका ने तो दोनों की मित्रता का भी एक वो सिंबल क्यों हरा दिया गया था क्योंकि नेपोलियन भी मोनार्की लाया था और जिन्होंने हराया ना वो भी मोनार्की के सपोर्टर थे उनको कहा जाता है लेकिन नेपोलियन ने जिस तरह से मोनार्की को चलाया था वैसी वो चलाने नहीं चाह रहे थे कंजर्वेटिव्स ने बहुत अच्छा काम किया था उसको मिलकर हराया कौन कौन सी पावर्स थी वो याद रखना ऑस्ट्रिया रशिया प्रशिया और ग्रेट ब्रिटेन इन मिले इन्होंने 9 मार्च 1814 को एक ट्रीटी की उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ शमोंट क्या मान नाम था उसका ट्रीटी ऑफ शमोंट भी इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ शमोंट भी कहा जाता है कुछ भी कह लो स्पेलिंग याद रख लेना तुम तो ठीक है ना इस ट्री ये चीज़ है पावर्स के नाम तो याद हो हमें लेकिन कैसे वो वो ट्रीटी थी। ट्रीटी 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 की की थी 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 कब 9 मार्च को साइन हुई उस का नाम था ऑफ इसके साथ ये सब लोग क्या होते आपस में मिल गए थे। ना? कौन कौन मिल गए थे आपस में ऑस्ट्रिया रशिया प्रशिया एंड ग्रेट ब्रिटेन अटैक किया है हिट उसके, फ्रांस के नेपोलियन फ्रांस में आया था वो उसने धीरे धीरे पूरे यूरोप को करना शुरू कर दिया था वो चीज इनको पसंद नहीं आ रही थी क्लियर है तक इस चैप्टर में से कह रहे बड़ी चीजें हैं क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन लिखा है ना ये इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो मतलब वी वी आई पी आई ये तो ठीक है ना नेक्स्ट बेटा नोटबुक होगी ना अपने पास उस पर लिख ले हाथ पे लिखेगी घर जाते मिट जाएगा वैसे तो तेरे पास है सारे नोट्स ये आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए विद वॉट एम द ट्रीटी ऑफ वियाना ये ट्रीटी ऑफ वियाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भैया सब इंपॉर्टेंट मैंने इसमें लिया ही इंपॉर्टेंट है भाई इसमें चीजें जो लिए पूरा चैप्टर नहीं लिया है ना पूरा चैप्टर लेता तो फिर एक दिन में नहीं खत्म होता ना जिस चैप्टर को हमको 20 दिन 25 दिन पढ़ने में लगे वो दो घंटे में कैसे पूरा हो जाएगा तो चीजें वही लिए जो इंपॉर्टेंट है हमने ली भी तो नहीं है ना तो ट्रीटी ऑफ़ वियाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है तो ट्रीटी ऑफ़ का मेन उद्देश्य क्या था? था, जब नेपोलियन नेपोलियन को को हरा दिया गया था ना? देखो एक कंफ्यूज़ मत होना। हराने, हराने, और और हराने के बाद अब यूरोप कैसे चलेगा अब यूरोप कैसे चलेगा यूरोप में क्या क्या काम करने क्योंकि यही तो मेन पावर्स हैं उन्होंने कहा बोले अब अपने मिल जाओ अब अपन आगे लड़े तो फिर कोई आएगा फिर हमारे पर रूल करेगा तो सच्चा कि हम क्या कर लें एक ट्रीटी कर लेते हैं जिसके अंदर हम कुछ बातों पर अग्री कर लेंगे और उसी के हिसाब से जिसको जो एरिया मिलेगा ना वो वहां पर रूल करेगा ताकि कोई हम एक रहेंगे तो हमें को फिर कोई हरा नहीं हम ही तो लड़ेंगे हमें लड़ना नहीं है अब पहले यूरोप की पावर्स लड़ी तभी तो दिक्कत आई बोले अब लड़ना नहीं है तो उसके लिए जो ट्रीटी गई उसका नाम क्या था ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुई ट्रीटी ऑफ चामंड कब हुई थी 1814 में ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ना चीजें सारी चीजें ठीक है द ट्रीटी ऑफ वियना वाज कन्वेन्ड इन 1815 बाय द फोर यूरोपियन पावर्स व्हिच हैड डिफीटेड नेपोलियन कौन-कौन सी थी वो ऑस्ट्रिया पर्शिया ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया रशिया प्रशिया और ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड ठीक है द फर्स्ट गोल वाज टू एस्टेब्लिश अ न्यू बैलेंस्ड पावर इन यूरोप पहला उद्देश्य तो क्या था कि यूरोप में अब एक बैलेंस बनाकर हमें रूल करना है व्हिच वुड प्रिवेंट इंपेरियलिज्म विद इन यूरोप जैसे नेपोलियन एंपायर अब इसमें क्या है कोई भी अगर नया रूलर आएगा और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करेगा ना उसको रोकना है हमको ही रहना है पावर में किसी और को पावर में आने नहीं देना है एंड मेंटेन द पीस बिटवीन द ग्रेट पावर्स और हम चारों के अंदर क्या होना चाहिए शांति रहेगी हम आपस में हम लोग नहीं लड़ेंगे ठीक है ना सिंपल सी बात ही है ना हाँ बोलो बोल बोल इन्हीं समझ में आया बात क्या है कि एक सिंपल सी बात करते हैं कोई भी एक एरिया है पर्टिकुलर एरिया उस पूरा यूरोप है अब यूरोप के अंदर नेपोलियन आया नेपोलियन ने अपना इंपीरियलिज्म करना शुरू कर दिया तो जो थे, जो मनमर्जी से रूल चलाते दे थे देखो मैंने बार बार एक भी था लेकिन बात क्या थी कि वो जो मोनारकी लाया था उसमें उसने बहुत फ्रीडम दे रखी थी लोगों को लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा था और जो कंजरवेटिव होते हैं ना वो भी मोनारकी लाते लेकिन वो लोगों को दबाकर काम करना चाहते प्रेशर में रख के तो ये जो पावर्स थी ऑस्ट्रिया रशिया प्रशिया और ग्रेट ये मेन पावर्स थी नेपोलियन कैसे हार नहीं रहा था इंडिविजुअली तो, तो ये मिल गए मिल गए मिलने के लिए इन्होंने एक ट्रीटी की क्या नाम था उसका ट्रीटी ऑफ चमोन्ट मिलकर हरा दिया अब हरा दिया तो डर ये भी तो ना कि आपस में हम फिर लड़े अगर चारों भी तो आपस में लड़ सकते हैं ना चारों पावरफुल है चारों मिलकर पूरे यूरोप के ऊपर रूल करेंगे चारों अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर कोई पांच आएगा दो बिल्ली एक बंदर दो बिल्लियां लड़ेगी तभी तो बंदर को मौका मिला वो बिल्लियां लड़ती नहीं तो बंदर उनकी पूरी रोटी कैसे खाता याद है ना बिल्ली बंदर वाली कहानी नहीं है याद दो बिल्लियां थी उनके पास एक रोटी का टुकड़ा था डिवाइसाइड नहीं कर पा रही थी किसको कितना मिलेगा बंदर आया बोले मैं करता हूँ न्याय बोले कर बंदर ने रोटी ऐसे तोड़ी कि एक की ज्यादा एक की कम वजन किया एक की ज़्यादा ज़्यादा बोले क्या करे तो बोले इसमें से मैं तोड़ के खा लेता हूँ बची हुई तुम्हारी इतना तोड़ा कि इधर वाली का वजन ज्यादा हो गया फिर उसको तोड़ के खा गया फिर इतना तो ऐसा करके वो पूरी रोटी खुद ही खा गया तो मतलब बिल्लियां लड़ रही हैं दोनों में आपस में समझ नहीं है तभी तो बंदर को मौका मिला तो वही तो चीज यहां पर है कि ये चारों पावर्स बोले हम अगर आपस में लड़ेंगे तो कमजोर होंगे तो अभी तो पांचवा आएगा फिर वो रूल करने लगेगा बोले ऐसा नहीं करना है उसके लिए हमें ट्रीटी कर लेते हैं समझौता कर लेते हैं बोले हम ऐसे ऐसे चलेंगे आपस में कोई एक दूसरे के एरिया में दखलंदाजी नहीं करेगा बात समझ में आ रही है तो वही उसी के लिए क्या की गई ट्रीटी ऑफ वियाना साइन की गई अब पढ़ देंगे अब भी समझ में नहीं आता क्या आगे ना तो बंदर को बंदर की कहानी समझ में आएगी ठीक है ना क्लियर आगे बढ़ते हैं अपन वेन एंड अंडर हुम वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज सेटअप इन फ्रांस फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब कब सेटअप हुई पहली बार जब 17, 18, 19 में 16 16 16 के बाद, 16 को तो हटा दिया था ना? ओ, 16 था, ना? सॉरी, उसके अंदर हो गई क्या हो मुनार्की सेट अप हुई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जब नेपोलियन आ गया था तो कई बार क्या हुई फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अभी मोनार्की क्या होता है वो पता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की

वहाँ पर आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल बना के ब्रिटेन में आज भी महारानी रूल चलता है ठीक है क्लियर आगे देखते तो फ्रांस अडप्टेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1791 अंडर किंग लुई 16 देयर फोर वॉज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क देर आफ्टर अनादर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन 1793 एंड अगेन इन 1799 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन विद द नेपोलियन एज द किंग दिस पॉलिटिकल पैटर्न वॉज कंटिन्यूड अंडर सेवरल मोनार्क दैट फॉलोड एंड टुक परमानेंसी मतलब हमेशा रहा है And 1945 में फिर फ्रांस पूरी तरह से आजाद हो गया वहां पे मुनार सिस्टम बिल्कुल खत्म ही हो गया क्लियर कोई दिक्कत है कंफर्म ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं है रशिया ग्रेट ब्रिटेन का मतलब तो कुछ और है ग्रेट ब्रिटेन का मतलब अपने था ना इसमें ब्रिटेनी आइलैंड वहां पर चार तरह के लोग रहते थे इंग्लिश स्कॉटिश वॉल्स है ना वॉल्स शामिल नहीं हुआ पहले तो स्कॉटलैंड मिल गया था फिर आयरलैंड आयरलैंड के भी दो पार्ट हैं याद करो एक ऊपर का नदन आयलैंड वो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है नीचे वाला आयलैंड ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं है हाँ अब बोल डेवलप तो वो भी है वो मानते हैं आज भी उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर सब कुछ है वहां पर लेकिन राजा को वो आज भी मानते हैं एक तो ठीक है देश की है तो नहीं लगे वो आज भी उसकी वजह से परेशान है नहीं उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से डेवलप किया हुआ है सिस्टम है ये तो वो आज भी उसको इतनी तवज्जो देते हैं और उसकी वजह से दिक्कत नहीं आ रही है जिस दिन प्रजा को दिक्कत आने लगेगी तब वो उस हिसाब सोचेंगे जब तक दिक्कत नहीं आती तब तक चलने दो चल रहा है राजा राम थे कॉन्स्टिट्यूशन बना थोड़ी ना था उस समय अकेले वही सर्वे सर्वा थे दिक्कत नहीं थी कब क्यों नहीं किसी ने उस समय आवाज उठाई ये तो जब परेशानी होती है ना किसी एक सिस्टम से तब जाके उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है क्लियर आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो समझना बड़ा ये ट्रीटी के नाम है यहां पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फाइव नेम द ट्रीटी विच रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन एक नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी ट्रीटी थी ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटी कॉन्स्टेंटिनोपल द ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटीनोपल स्पेलिंग याद कर लेना अच्छे से इसी ट्रिटी के बाद ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में क्या मिल गया था ऑथोराइजेशन uh, uh, मिल गया था उसके पहले ग्रीस कौन से एम्पायर के अंडर था हेप्सबर्ग एंपायर के अंदर ट आर द मेन सिंबल्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन एक आजाद देश का क्या पहचान है उसका अपना नेशनल फ्लैग होगा उसका अपना नेशनल एंथम होगा सब कुछ उसका अपना होगा उसके वहां के लोगों की सोवर्निटी होगी नेशनल सिंबल होगा उसका अपने कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां की अपनी एक सरकार होगी नेशनल सॉन्ग होगा नेशनल एंथम होगा यही पहचान है एक नेशन स्टेट की क्लियर क्लियर है बेटा आगे देखते हैं अपन देखो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जमाइन एनी फोर रीजन फॉर द नेशनलिस्ट अपसग इन नाइनटीन सेंचुरी यूरोप क्या रीजन थे वो जिनकी वजह से यूरोप के अंदर अचानक से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जाग गई क्यों लोगों ने इसके पहले नहीं कर रहे थे और अचानक से इस समय के बाद वो नेशनलिज्म 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 चिल्लाने लगे थे कुछ तो रीजन रहा होगा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले है ना फर्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर के जब मैं आपको डिस्कस करा रहा था था तो मैंने कहा था, इंडिया को उठाकर वो लिख दो मत आंसर सेम रहेगा लोगों को परेशान किया जाता है, वही रीजन है।, बात है लोग आवाज कब उठाएंगे जब वो परेशान होंगे सब कुछ सही चल रहा है शांति से चल रहा है परेशानी नहीं है तो क्यों वो उसके खिलाफ बात करेंगे क्या फर्क पड़ रहा है कोई उनके फर्क नहीं पड़ रहा है उस चीज क्लियर

जो वेलोन well फिलोसोफर्स थे लीडर्स थे उन्होंने इन विचारों को फैलाना शुरू कर दिया था नेशनलिज्म होना चाहिए। और अच्छे अच्छे लोग जब कोई बात कहते हैं ना तो वो क्या होता है कि उसका एक प्रभाव पड़ने लगता है क्लियर इसके अलावा बात करें द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट फॉर द फ्रीडम एटीन सेंचुरी में हो गया था

चाहिए आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्लियर सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली लिंक्ड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म तो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था ना वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड था लिबरलिज्म के ऊपर आजादी के ऊपर लोगों को आजादी दो बांध के मत रखो उनको यही उनका मेन बेस था द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लेटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री ये भी है ना एक ब्लैंक्स के लिए एमसीक्यू लिए बड़े अच्छे लाइन बन जाती है जिसका मतलब क्या था, Free आजादी. Clear? चार चार पूछे तो पर खत्म हो गए। एक बार और देख लो चार नहीं याद रहे कोई सा भी याद रह जाए कॉन्ट्रीब्यूशन टू कल्चरल लाइक रोमांटिसिज्म ए कल्चरल मूवमेंट सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल तरह के लोगों को सेंटीमेंट्स लोगों के अंदर जागृत किए थे कि देश की आजादी के लिए काम करना चाहिए क्लियर है यहां तक कंफर्म आगे बात करते हैं अपन और क्या है क्वेश्चन व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी

आगे ध्यान दीजिए एंड सिटीजन द डिक्लेरेशन अप हैल्ड द इक्वेलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ एक डिक्लेरेशन हो गया जहां पर सभी कानून की नज़र में बराबर मान लिए गए थे एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल फॉर पब्लिक ऑफिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको आजादी मिल गई थी बोलने की बात करने की कि अपनी बात कहने की हर व्यक्ति को पब्लिक ऑफिस में काम करने की परमिशन मिल गई थी कोई रेस्ट्रिक्शन सब हटा दिए गए थे

ये नाइन्थ में पढ़ी थी चीजें ठीक हाँ। है हमने चीजें कहां पढ़ी थी नाइन्थ में पढ़ी थी चर्च वॉज को क्या कर लिया गया था nationalized. अब चर्च के ऊपर क्या नहीं थे कोई ऐसा नहीं था कि भी चर्च ही सबसे बड़ी पावर में रहेगी नहीं पहले था चर्च को टैक्स देना पड़ता था टाइद वगैरह वो कुछ नहीं अब चर्च की जो प्रॉपर्टी है वो सब गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली थी क्लियर है यहां तक और हर व्यक्ति को आजादी थी वो कोई से भी धर्म को अपना सकता है मोनार्की हो गई, जिसने क्या कर दिया वहां पर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी वाली व्यवस्था को क्या कर दिया था अप्लाई कर दिया था जूरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर क्रिमिनल केसेस जूरी बना दी गई थी अब जूरी डिसाइड करेगी कि कि किसको क्या सजा दी जाएगी राजा अपनी मनमर्जी से सजा नहीं दे सकता था तो यही थी मेन बातें क्लियर यहाँ तक कोई डाउट है इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन क्या है नेपोलियन कोड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सिविल कोड 1804 नेपोलियन कोड 1804 इसकी क्या विशेषताएं थी क्या इसके अंदर बातें थी वो हमसे यहां पर पूछी गई है पहला दो रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस देखो नेपोलियन जब आया ना उसके पहले डेमोक्रेसी थी नेपोलियन आके डेमोक्रेसी को तो बर्बाद किया निश्चित रूप से वो मोनार्की लेके आया इसमें तो कोई डाउट नहीं है बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इन कॉरपोरेटेड रिवोल्यूशनरी इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशियंट इन उसने सारी व्यवस्था को बहुत अच्छा करने के लिए नो no डाउट काफी सारे चेंजेस किए थे जैसे द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ एस्टेब्लिशड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योरड द राइट टू प्रॉपर्टी ये जो 1804 का उसने सिविल कोड लेके आया ना इसके थ्रू उसने क्या किया कि जो सारे प्रिविलेजेस थे जो बर्थ के आधार पर मिलते थे डिड अवे उसने सब हटा दिए जन्म के आधार पर अब कोई प्रिवलेजेस किसी को नहीं मिलेंगे इक्वेलिटी बिफोर द लॉ. हर व्यक्ति कानून के नजर में समान है और राइट सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी हर व्यक्ति का अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार माना जाएगा ठीक और क्या था दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल नेपोलियन आया पहले फ्रांस में रूलर बना फ्रांस का उसने धीरे धीरे अलग अलग इलाकों को जीतना शुरू कर दिया तो जहां-जहां वो जीता गया ना वहां-वहां पर वो इसको अप्लाई करता गया एक्सपोर्टेड मतलब उसने और जगह भी उसको लगाया केवल फ्रांस तक लिमिटेड नहीं था जिन-जिन एरियाज को नेपोलियन ने जीता सब जगह उसने इसको अप्लाई कर दिया क्लियर इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड इन इटली इन जर्मनी नेपोलियन अबोलिश्ड द फीडियल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेफडम सबडम एंड मनोरियल ड्यूज कहां पर डच रिपब्लिक में ठीक है इटली में जर्मनी में जहां भी वो जीता वहां पर उसने किसानों को आजाद कर दिया बोले आपके ऊपर कोई ड्यूज बाकी नहीं माने जाएंगे सब डम बंधुआ किसान जो थे बोले अब आपको नहीं काम करना अपनी लैंड पर जाकर खेती करो मुश्किलें दूर कर रहा था वो लोगों की इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव गिल्ड रेस्ट्रिक्शन मतलब जो यू मान लो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो गुड्स को एक जगह दूसरे जगह ले जाने में जो बीच बीच में रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी ना वो सब उसने क्या कर दिए रिमूव कर दिए थे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया उसने और वर्कर्स एंड न्यू एन न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड ए फाउंड फ्रीडम सबको बड़ा अच्छा लगा बोले ये तो अच्छी चीज आ गई तो नेपोलियन कोड को अगर आप समझो ना इसको पहले तो पॉजिटिव वे में समझना फार्मर्स के लिए पेजेंट्स के लिए बिजनेसमैन के लिए सब कुछ अच्छा किया है उसने अब क्या क्या हो सकता है याद तो करना ही है पर एक बेस बनाकर आप उसके अंदर लिख भी सकते हो लिख दोगे कोई डाउट इसमें तक? चलिए आज के लिए तो इतना ही है बाकी ना जरूर आना कल हिस्ट्री तो मैं कम से कम पूरी करवाऊंगा ही करवाऊंगा साथ में कुछ चैप्टर इकोनॉमिक्स के भी लेंगे हिस्ट्री के तो निश्चित रूप से बाकी क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे अवेलेबल है जो नोट्स आपको नहीं है किसी के पास तो वो आज मैं ऐप के अंदर आप देख लेना मैं वापस कह रहा हूं जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किए वो ऐप डाउनलोड कर लें जिनके पास नोट्स नहीं है वो वहां से ऐप में देख लें एग्जाम स्पेशल नाम से फोल्डर होगा उसके अंदर सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे सर ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे वहां से आप इनको वापस पढ़ सकते हो याद करना शुरू कर सकते हो स्पेशली जितने क्वेश्चंस आज हमने पढ़े हैं उनको तो एक बार जाके वापस पढ़ लेना मेरी गारंटी आपको याद हो जाएंगे एक बार एक बार जाके वापस पढ़ लिया समझ लिया ना आपको सब चीजें याद हो जानी है निश्चित रूप से याद हो जाएंगी ठीक है ना बहुत सारे चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं भी होंगी उनको तो अपने आप से पढ़ते जरूर रहें ठीक है थैंक्स टू ऑल थैंक यू क्लास